पहले नॉमिनेशन टास्क में शहनाज को नॉमिनेट किया और फिर शहनाज ने क्वीन वाले टास्क में माहिरा का मटका फोड़ दिया और दलजीत को जिन्हें किले से बाहर पारस लेकर गए थे उन्होंने शहनाज का मटका फोड़ दिया। इसे लेकर शहनाज और पारस के बीच में थोड़ी दूरी आ गई है और झगड़े भी हुए, लेकिन अब जो झगड़े हुए हैं वो तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि पारस छाबरा ने शहनाज को ये तक कह दिया है, भाड़ में जाए सना, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, भाड़ में जा तू तेरा किस्सा खत्म। जी हाँ, ऐसा ही कहा है पारस छाबरा ने शहनाज को। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पहले तो आरती और पारस का झगड़ा हो जाता है और इसी बीच वो शहनाज को बीच में ले आते हैं और ये बात शहनाज को पसंद नहीं आती है। और जब लड़कों का रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आती है तो इसमें ब्लैक रिंग लड़कों के फोटोज के आगे लगाना होता है, जिससे कि लड़के एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। और इसमें शहनाज अपना ब्लैक रिंग पारस छाबरा को देती है, जो बात पारस को काफी बुरी लगती है। और इसके बाद शहनाज और पारस के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर झगड़ते हुए नजर आते हैं। शहनाज को तकलीफ है कि वो माहिरा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उनके बजाय, और पारस को ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों की बातें सुनने के बाद पारस पर यकीन नहीं करती है। और तभी पारस कहते हैं कि भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, और फिर कहते हैं ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, भाड़ में जाए तू तेरा किस्सा खत्म। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।